आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में पारा लगातार नीचे आ रहा है और मौसम वैज्ञानिकों ने भी अगले एक हफ्ते तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर चलने का अनुमान भी लगाया है, जिसको लेकर प्रशासन और शासन की तरफ से गरीब असहायों की मदद लगातार की जा रही है। इस सिलसिले में जिला प्रशासन के आह्वान पर काशी विश्वनाथ सेवा दल की ओर से कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर निशातियों को कंबल देकर वितरण कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई गई। काशी विश्वनाथ सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमलेश्वर यादव के नेतृत्व में काशी के स्टेशन, बस अड्डों और अन्य स्थानों पर खुले में सो रहे जरूरतमंद को ठंड से बचाने के लिए निःशुल्क सैकड़ों कम्बल वितरित किए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी, आज हम लोग काशी विश्वनाथ दल के लोग तीसरे चरण में हम लोगों ने मनकनका घाट पे कंबल वितरण का आयोजन किया था। खाद्य पदार्थ दिया गया था। माननीय जिलाधिकारी वाराणसी श्री कौशल राज शर्मा जी के आह्वान पर आज हम लोगों ने अपने संस्था द्वारा यहाँ सिटी स्टेशन अलईपुरा को हम लोगों ने चयन किया। चूँकि इसके पूर्व हम लोग यहाँ आके देखे थे यहाँ के लोगों को रात में ठंड में ठिठुरते हुए सोते हुए, तो आज साल का आखिरी दिन है तो हम लोग को लगा कि इससे पुनीत कार्य कुछ नहीं हो सकता कि जो लोग यहाँ ठंड से ठिठुर रहे हैं उनको सोते में, जो गाड़ी में बैठे हैं, जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनको हम लोग कम्बल ओढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, और जो सामने ज़रूरतमंद है उनको हम लोग कम्बल दिया जा रहा है, खाने का सामग्री दिया जा रहा है। और ये संस्था हमारी काम करती रहती है, इसके पूर्व में भी काम चल रहा है, आगे अभी हम लोग फिर और चौथे चरण पाँचवें चरण में भी ये कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये काशी विश्वनाथ दल हमारा पूरे देश में काम कर रहा है, हमारे 29 राज्यों में काम चल रहे हैं, हमारे गुजरात में अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं नैना परमार, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से। हमारे गुजरात में, हमारे राजस्थान में ओम अग्रवाल जी हैं, मध्य प्रदेश में हमारे राज सिंह छत्री जी हैं, अपना बिहार में है संजय यादव जी हैं। चंद्रेश्वर जी, एक सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से लगातार जो बाहर लोग सो रहे हैं उनको रैन बसेरा मुहैया कराया जा रहा है, कंबल मुहैया कराया जा रहा है, फिर भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कहना है? और आपकी तरफ से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, क्या ये शासन की तरफ से कोई योगदान है या स्वेच्छा से आप लोग? नहीं, ये काशी विश्वनाथ दल अपने तरफ से कर रहा है। काशी विश्वनाथ दल के समस्त पदाधिकारी सारे लोग मिल के, हम लोग मिल के ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। मेरे स्वर्गीय पिता तेजू सरदार जी की प्रेरणा से आज ये काशी विश्वनाथ दल चैरिटेबल ट्रस्ट हम लोगों ने बनाया है और हम लोग आज निरंतर इस पर मेहनत कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद है काशी में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में और हमारे देश में, जहाँ जहाँ हो पा रहा है काशी विश्वनाथ दल के सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही ईमानदारी से, तत्परता से काम कर रहे हैं। हमारा कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम लोग का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम लोग समाज के प्रति आगे रहें, काम करें, ज़रूरतमंदों तक हम पहुँचे, उनके दरवाजे पहुँचे, हम लोग का सिर्फ एक ही मिशन है। सभी राजनीतिक दलों को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि ये दिमाग से भ्रम में निकाल दें कि हमको कोई राजनीति से कोई से लाभ लेना है। हम लोग हृदय से बाबा के भक्त हैं, स्वर्गीय तेजू सरदार जी के हम बेटे हैं, मेरे पिताजी ने 1952 से बाबा का सेवा किया है, हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक हम भी सेवा करते रहेंगे। उन्हीं का लिखा हुआ दोहा जो पूरे देश में बोला जाता है, शयन आरती में बोला जाता है, बाबा विश्वनाथ में, बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सो हो। ये दुआ मेरे पिताजी ने लिखा है, उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ रजत त्रिशूल, कांसे का त्रिशूल बैकुंठ मंडप में आज भी सुशोभित हो रहा है। जब तक त्रिशूल है तब तक हमारा काशी विश्वनाथ दल है और सारे लोग हैं, और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग आधी रात को यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, बताने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए कि 31st का मतलब कुछ नहीं है, जो असली सेवा है जो आज हम लोग कर रहे हैं।